नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, बड़ी खबर यहां पे अखिलेश यादव के हवाले से आ रही है, डिंपल यादव के हवाले से आ रही है और शिवपाल यादव के भी हवाले से आ रही है। पूरा परिवार एक था यहां पे। जब कल शाम को मुलायम सिंह यादव की याद में शांति हवन हो रहा था, शुद्धिकरण हवन हुआ था, क्योंकि सैफई में जहां पे उनको मुखाग्नि दी गई थी वहीं पर उनके पैतृक गांव में उनके घर पर यह शांति हवन हुआ था। पूरे जब मैं बोल रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। हर कोई अखिलेश यादव की तरफ निगाहें डाले बैठा था और डिंपल यादव और अखिलेश यादव आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि कैसे हवन करा रहे हैं। सारे मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी रीति रिवाज होते हैं हवन को कराने के लिए, शांति पाठ कराने के लिए, सब उन्होंने करे। और बड़ी बात देखो कि यहाँ पे अखिलेश यादव ने दूर दूर से देखे, काशी से हो गया आप, बट देखो उत्तर प्रदेश में जितने भी आध्यात्मिक जगह है वहां वहां से देखे ब्राह्मणों को बुलाया था, ब्राह्मणों से देखे पूजा कराई थी, हवन कराया था, उसके बाद ब्राह्मण भोज भी कराया गया था, ये आप देख सकते हैं वहां पे। तो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ये क्यों कराया गया, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी। अगर आपको देखिए, मैंने पहले भी इस पर खबर बना रखी है, अगर आपने वो खबर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं कि मुलायम सिंह यादव की 13वीं इसलिए नहीं होगी क्योंकि सैफई में 13वीं का रिवाज नहीं होता है। हालांकि देखिए सनातन धर्म में 13वीं का रिवाज होता है, लेकिन हाँ सैफई में के लोग जो मानते ऐसा मानते हैं कि 13वीं कराने के लिए जो हर किसी में देखिए क्षमता नहीं होती, क्योंकि 13वीं में काफी खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, तो इसलिए हर किसी परिवार में इतनी क्षमता नहीं होती कि 13वीं करा सके। तो इसलिए सैफई में काफी टाइम पहले एक रूल बना था कि यहाँ पे 13वीं नहीं कराई जाएगी, और इसी रूल का देखिए अपमान ना करते हुए यहाँ पे अखिलेश यादव ने भी अपने पिता की 13वीं ना कराने का मन बना लिया था। शिवपाल ने भी बोला कि देखिए हम अपने भाई की 13वीं नहीं करेंगे, जैसा गांव का रूल है वैसे ही देखिए हम चलेंगे। तो अब शुद्धिकरण हवन हुआ देखिए, और यहाँ पे नेताओं का तांता लग गया, राजा भैया भी शामिल हुए थे और लगातार देखिए यहाँ पे नेताओं का आ जाना लगा हुआ था, बीजेपी के विधायक भी देखिए काफी मिले थे यहाँ पे। बहरहाल देखिए अब तो यहाँ पे हवन हो चुका है, प्रतीक यादव का बयान से राजनीति भी शुरू हो गई है, अखिलेश यादव कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर सक्रिय हो जाएंगे, और लगातार देखिए कि अब ऐसा हो सकता है कि मायावती भी देखिए अखिलेश यादव से मिलने सैफई पहुंच सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।